Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Lipsa, your again back with today's topic. घर में बैठ बैठ के वीडियो करके बोरिंग हो गई तो मैंने आज सोचा चलो ऊपर जाते थोड़ा बैठ के वीडियो बनाते, अच्छे हवा में खोले हवा में बैठ के थोड़ा बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे बैठने की बात है तो देखो कितना आसमान अच्छा है, अच्छा हवा आ रहा है, तो मन बहुत अच्छा है थोड़ो। तो ये जो इन्वायरमेंट है, अच्छा से बैठ के बात करना एंड द टॉपिक के साथ क्या रिलेशन कनेक्शन है? यस, ऑब्वियसली द टॉपिक इज रिलेशनशिप। तो टॉपिक अगर रिलेशनशिप आ गया, मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी बैठूँ, किसी के साथ बात भी करूँ, मेरा रिलेशन वैसे ही अच्छा होना चाहिए, राइट? तो ये जस्ट था मेरा टॉपिक को स्टार्टिंग करने के लिए पैरामीटर्स, नथिंग एल्स। तो अब इस टॉपिक तो स्टार्ट हो गया, रिलेशनशिप आप लोगों को पता चल गया। तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ इसमें। कभी आपने मैग्नेट और आयरन दोनों का केमिस्ट्री देखे हैं? आयरन और मैग्नेट कहीं पे भी डाल दो, दोनों एक साथ हो जाते हैं। अगर मैग्नेट की जगह पे किसी और चीज को रख लो कि आयरन की जगह पे सिल्वर रख लो, दोनों तो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, कभी भी नहीं, नेवर इट इज पॉसिबल। लाइक दिस ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन शुड बी लाइक दिस। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रुको, आपका रिलेशन वैसे ही बॉन्डिंग रहना चाहिए। रिलेशनशिप में एक जो चीज रहता है, लव, अफेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, दैट शुड बी फ्रॉम बाई हार्ट। एंड रिलेशनशिप में सेकेंड थिंग आ जाता है आपका फेथ, बिलीवनेस ऑन बोथ। दैट कुड बी ए फ्रेंडशिप, दैट कुड बी ए फादर मदर, दैट कुड बी ए डॉटर और सन विथ हर पेरेंट्स, दैट कुड बी ए ब्रदर सिस्टर, एनी वंस रिलेशनशिप। द लव एंड अफेक्शन एंड द बिलीवनेस एंड द फेथनेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एज लाइक मच। कभी कभी मैंने देखा हूँ, बहुत सारा मैंने टॉपिक और बहुत सारा मैंने रिसर्च में देखी हूँ, आजकल जो जो रिलेशनशिप होता है, इस मैक्सिमम एक पहले मैंने हस्बैंड वाइफ को बताती हूँ, फिर दूसरा बंद बताऊंगी। उसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी कोई आके इंटरफेंस करता है, रिलेशनशिप ब्रोकन होता है, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और मिसरेस्पेक्टनेस होता है और वो टूट जाता है। वो ये चीज नहीं होना चाहिए, आप दोनों इतना स्ट्रांग रहना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेंस करे तो आप दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उन लोगों के बात में बिलीव नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड बी इच रेस्पेक्ट टू इच अदर। अगर रेस्पेक्ट और बिलीवनेस, इमोशनल अटैचमेंट और लव नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ सेकेंड, कभी देखे हैं, कभी लड़की बाहर घूमने जाते हैं, कोई उसका लड़का दोस्त के साथ बात करता है, कोई आके बोल देता है उनका पेरेंट्स को, देखो तुम्हारी लड़की बाहर क्या कर रही है। वहां पे कोई कोई पेरेंट्स रेस्पॉन्ड करते हैं, मेरा लड़की कहीं पे भी जाए मुझके उसके ऊपर में बिलीव है, विश्वास है। सो ये एक रहता है स्ट्रांग बॉन्डिंग, स्ट्रांग रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप रखने के लिए, बनाई रखने के लिए जो भगवान बनाता है रिलेशनशिप, तीन चीज के ऊपर आधार रहता है। आप दोनों के बीच में लव, कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और दोनों जो है बिलीव, बिलीवनेस जो बताते हैं, फेथ जो बताते हैं, वो हमेशा रहना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग जो होता है आपका रिलेशनशिप में, वो है रेस्पेक्टलेस। दोनों दोनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा। अगर कुछ झगड़ा हो गया, बैठ के बात करो, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रखो। ऐसा नहीं कि झगड़ा करके, मारामारी होके, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कुछ भी होके ऐसे ही ब्रोकन हो जाए, ऐसा होगा तो फिर दुनिया का सारे रिलेशनशिप ब्रोकन हो जाएगा। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें झगड़ा होता है, बट सॉल्व कीजिए उसको, बिलीव रखिए दोनों के बीच में, लव एंड अफेक्शन रखिए एंड दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट रखिए। दिस इज फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप। थैंक यू।